आर YouTube फैमिली, सो वेलकम बैक टू आर न्यू व्लॉग। और ये व्लॉग बहुत दिनों बाद बना रही हूँ बिकॉज बहुत बिजी हो गए थे हम लोग। सो ये देखिए, शुरुआत होती है आइरीन और जेडन के साथ, कैसे ये दोनों अपनी अपनी साइकिल्स पे जो है खेल रहे हैं। ये देखिए कितना खुश होती है साइकिल पे बैठकर। और अब देखिए ये पैर से जो है चक्का जो है इसका साइकिल का वो चलाती है और साइकिल को आगे पीछे करती है। सो बच्चों में दिमाग तो बहुत होता है, बस उनके यूज़ करने की देरी है। इसलिए जितनी ज़्यादा चीज़ें एक्सप्लोर करने के लिए देंगे उतना ज़्यादा उनका दिमाग चलेगा। ये देखिए दिमाग जो है फिर चल गया और दोनों अपने अपने कपड़े दांत में फंसा कर अपना अपना पेट दिखा रहे हैं। पता नहीं क्या खेल रहे हैं ये तो हम लोग भी ऐसे ही खेलते होंगे। और ये देखिए, ये हमारा ही ईद वाला व्लॉग चल रहा था, अगर आपने नहीं देखा है तो प्लीज़ जाकर देखिए, बहुत अच्छा बना था ईद का व्लॉग। मुझे बड़ा अच्छा लगा देखकर टीवी पे कि हम लोग कैसे दिखते हैं। सो अच्छा लग रहा था देखने पे। और ये देखिए, ये दोनों जो हैं अपना खेल खेल रहे हैं। सो ऐसे ही हमारी शाम बीतती है, टीवी तो हम लोग देख ही नहीं पाते। और पिला वेरी गुड, छोटी बहन को पानी पिला रहा है। खाची ओ बेबी को पानी पीना है। आहा, अच्छा वीडियो दिख गया तो और पीने लगी। दिखा दिखा के पी रही है। ठीक है, थैंक यू जेडन। और ये हम लोग फिर दूसरे दिन नीचे गए हुए थे। सो जेडन देखिए अपने फ्रेंड्स के साथ कितने अच्छे से खेल रहा है। वो लोग इसका हाथ नहीं पकड़ रहे थे तो मैंने उसे फिर पकड़वाया उसका हाथ। सो अब देखिए ये लोग एक दूसरे का हाथ पकड़कर जो है यहाँ पर वॉक कर रहे हैं। ये इतना अच्छा अट्रैक्टिव लोकेशन है ना बच्चों के लिए। इतने बड़े बड़े ये देखिए गमले रखे हुए हैं और इनमें लाइट जलता रहता है तो बच्चों को यहाँ बहुत पसंद आता है यहाँ पर खेलना। और ये देखिए, श्री जेडन का फ्रेंड अपनी कार लेकर आया था तो जेडन ज़बरदस्ती उसमें बैठ गया था उसके साथ। और फिर हम लोग आ गए थे ऊपर। और ये देखिए आइरीन के लिए मैं ये हैदराबाद जब हम गए थे तो वहाँ से मैं ये नाइट ड्रेस लेकर आई थी, बहुत क्यूट लग रही थी इसमें। ये अभी थोड़ी सी बड़ी हो रही थी, मैंने बस पहना कर देखा, मुझे लगा कि अब ये शायद आ जाएगी और देखिए लगभग आ ही गई है। और जेडन जो है किसी बात को लेकर रो रहा था। सो हैदराबाद से हम मैं काफ़ी सस्ते सस्ते इनके लिए स्ट्रीट शॉपिंग करके लाई थी। अगर आप देखना चाहते हैं तो हमारा हैदराबाद वाला सीरीज़ भी देखिएगा, बहुत एंटरटेनिंग है, आपको बहुत मज़ा आएगा। हमने हैदराबाद की काफ़ी चीज़ें उसमें कवर की हैं, खाने से लेकर फोर्ट तक और म्यूज़ियम भी। सो ज़रूर देखिएगा जाकर। और ये देखिए, ये अंधेरे में जो है ये लड़की जो है बॉटल से खेल रही थी। ये जो है नॉन अल्कोहलिक है, सोडा फ्लेवर वाला ड्रिंक है, क्रैनबेरी फ्लेवर का, तो हम लोग को अच्छा लगता है कभी कभी पीना, सो हम लोग पीते हैं। और ये बॉटल जो है आइरीन हमारी नकल कर रही थी। सो देखिए कैसे पीने का नाटक कर रही है वो और खुश भी हो रही है कि मैं भी पी रही हूँ। उसे जो है आजकल कॉपी करना बहुत पसंद आता है, सो इसलिए वो हर चीज़ की कॉपी हमारी करती है। और ये देखिए, ये था शाम का टाइम में किसी एक दिन का, मतलब मुझे दिन तो याद नहीं है। सो देखिए कितनी धुआंधार बारिश। आइरीन इधर आओ, डर गया? ओ बच्चा डर गया, आइरीन इधर आओ, इधर तो आओ,
बैठ के दिखा उसमें, बैठ जा। क्या खाना है? क्या खा लो, क्या है ये? ये ऑरेंज है, ये और खा लो, ये संतर भी खा लो। संतर नहीं, संतरा। संतर भी, ये भी खा लो। हाँ ठीक है, खा लो। थैंक यू। आप भी खा लो। ठीक है, मैं खा रही हूँ। कहाँ जा रही हो? मार्केट जा रही हो थैला लेके? क्या खरीदने जा रही हो आयरिन? कहाँ जा रही हो थैला लेके? किधर? और ये देखिए, ये प्यारा सा वीडियो जो है गूगल ने हमें बनाकर दिया था, आइरीन के बड़े होने का वीडियो। इसमें उसके काफ़ी सारे छोटे बचपन, मतलब अभी भी वो बचपन में ही है, सॉरी, तो बहुत छोटी थी तब से लेकर अब तक के काफ़ी सारे वीडियो और फोटो इसमें थे, और बहुत क्यूट सा वीडियो है, इसलिए मैंने आप लोगों के साथ भी शेयर किया। और ये है मुंबई के मेट्रो का व्यू। ये जो है, ये काफ़ी हायर फ्लोर से लिया हुआ वीडियो है, तो मुझे अच्छा लगा इसलिए मैंने आपके साथ शेयर कर दिया। सो ये है मुंबई गोरेगांव की तरफ का एरिया। सो अच्छा खासा हाइटेड बिल्डिंग्स हैं काफ़ी सारी, और काफ़ी अच्छा व्यू है यहाँ से। सो मुंबई आप लोग कभी गए हैं कि नहीं मुझे बताइएगा। पुणे से तो बहुत पास है मुंबई, 3 आवर्स, 2 से 2 to 3 आवर्स जो है लगते हैं, और काफ़ी इजी है जाना। बट हम लोग अभी तक जो है साथ में नहीं गए हैं, अकेले अकेले तो कई बार ऑफिस के काम से गए हैं। सो लेट्स सी कब जाना होता है। और ये देखिए, इनकी मस्ती फिर से चालू हो गई। जनरली लोगों को प्रॉब्लम होती है कि मुझे एलोटमेंट नहीं आता है, उनकी ये प्रॉब्लम, ये इशू दूर कर। जेडन ऊपर मत फेंको बेटा, मिट्टी एक दूसरे के ऊपर नहीं फेंकना। हाँ। तो देखा आपने कैसे ये लोग नीचे जाकर अब इतने अच्छे से खेलते हैं। जेडन जो है अभी थोड़ा मिट्टी खेलने लगा है, तो वो ये लोग जो है, इसके फ्रेंड्स और ये मिलके जो है मिट्टी खेलते हैं और एक दूसरे के ऊपर डालते रहते हैं। सो हम लोग कोशिश करते हैं कि एक दूसरे के सिर पे ना डालें। और ये देखिए, हम लोग जो है मस्तानी खाने गए थे,
जी हाँ, ये एक आम की डिश होती है, आम आम के जो वडूवी से, हाँ, मिल्क शेक होता है, मैंगो मिल्क शेक, उसके ऊपर मैंगो आइसक्रीम डाल के ये दे देते हैं। और मैंने एक फालूदा भी ऑर्डर किया था, काफ़ी टेस्टी था। और ये हमारे घर के पास में ही एक सर्कल है, वहाँ पे उसके आगे मार्केट है, तो मैं आपको कई बार वहाँ घुमा भी चुकी हूँ। सो वहाँ पर इनकी ये नया नई सी शॉप खुली है, तो हम लोगों को दिख गया। सो हम चारों जो हैं, चारों नहीं पाँचों, सो जेडन के फ्रेंड हैं श्री, और उसके मम्मी पापा हमारे फ्रेंड, सो हम लोग ऐसे ही निकल गए थे ये सब ट्राई करने के लिए, आइसक्रीम जैसी चीज़। सो हमें ये दिख गया, सो मस्तानी और फालूदा से अच्छा क्या होगा गर्मी में। ये देखिए, ये दिखने में भी बड़ा अट्रैक्टिव था, कलरफुल था, और इसमें जो है टूटी फ्रूटी और ये सब भी डला हुआ था, बड़ा मज़ेदार था। तो हम लोगों को तो मज़ा आ गया। और इस वक्त हम लोगों ने डिनर भी नहीं किया था, फिर भी हम लोगों ने ये सब खा लिया, और फिर घर आकर खाना भी खा लिया। ये देखिए, हम लोग बस ऐसे घर की हालत में ही निकल गए थे, ज़्यादा ऐसे कोई रेडी वेडी होकर नहीं निकले थे, जस्ट ऐसे ही इन लोगों को नीचे खिलाने के लिए ले गए थे, और वहीं से ही फिर हम लोग ये सब खाने के लिए चले गए थे। सो ये देखिए, ये हम लोगों ने अपनी रील भी बना ली थी उसी टाइम पे। सो रील तो बनती है अगर आप बाहर गए हो तो। सो उम्मीद करती हूँ आप लोगों को हमारा ये छोटा सा व्लॉग पसंद आया होगा, और आगे आने वाला है आइरीन का स्पेशल बर्थडे व्लॉग, सो स्टे ट्यून। और हमारे शॉर्ट्स भी देखिए, बहुत सारे शॉर्ट्स हम लोग डालते रहते हैं जेडन और आइरीन के। सो स्टे ट्यून टू आवर चैनल एंड जस्ट कीप वॉचिंग। ओके देन, बाय बाय।